इसके मैं तो Will you marry me? भाई साहब सवाल ये नहीं है कि सल्लू भैया शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल ये भी नहीं है कि उनकी हिट पिक्चर आएगी कि नहीं आएगी, सवाल ये भी नहीं है कि दिलजीत के शो की टिकट किसी को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सवाल ये भी नहीं है कि कोल्ड प्ले की टिकट इतनी महंगी क्यों बिक रही है, लोग क्यों पागल हुए फिर रहे हैं, सवाल ये है कि बिग बॉस 18 कब आएगा, किस दिन होगा उसका ग्रैंड प्रीमियर। तो सुहानी के पास इस सवाल का जवाब है, 6 अक्टूबर को ये पूरा कारनामा रिलीज किया जाएगा कलर्स टीवी पर। देखो यार मैं सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो, लाइक शेयर भी करो, कमेंट भी कर दिया करो यार, हर चीज के लिए तुम्हें बताना पड़ता है यार, अच्छी बात थोड़ी है यार ये। देखेगी ये आने वाला कल। भाई सल्लू भैया को अपने करियर का ठिकाना नहीं पता तो क्या हो गया, लेकिन उन्हें बिग बॉस के ठिकाने का जरूर पता है, इसलिए टाइम से हर साल पहुंच जाते हैं। वैसे उन्हें अपने भविष्य का भी नहीं पता, लेकिन इस बार बिग बॉस में वो दूसरों का भविष्य को जरूर बताने वाले हैं। नहीं समझे कोई बात नहीं, डिटेल में बताऊंगी। प्रोमो रिलीज किया गया है बिग बॉस 18 का, और भाई यार जिसने भी ये प्रोमो लिखा है ना, जिसने भी इस कॉन्सेप्ट को सोचा है, उसके मैं हाथ काट देना चाहती हूँ यार। मतलब इन क्रिएटिव राइटर्स को पैसे तो चाहिए तगड़े तगड़े, और काम करके ये राजी नहीं है भाई। मतलब इस प्रोमो को देखने के बाद ना मेरा मन किया कि यार इसको हटा दो यार, इससे मत करवाओ कोई काम, मैंने मेहनत करी है उससे ज्यादा। तो यार पिछले 5 साल के प्रोमो देखे और लास्ट 2 साल के प्रोमो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट के साथ चेप रहा है भाई, चीटिंग कर रहा है आदमी। इसके बाद मुझे याद आ गया वो वांटेड का डायलॉग, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। भाई पूरे के पूरे प्रोमो में सल्लू भैया को देखकर ऐसा लग रहा है कि सल्लू भैया कह रहे हैं मैं यही खड़ा हूँ, इससे ज्यादा मेहनत मैं अपनी फिल्मों में नहीं करता, मैं वहां पर भी एक्शन सीक्वेंस इतने ही करता हूँ, इतना ही हिलता डुलता हूँ अपने गानों में, जितने पैसे तुम मुझे दे रहे हो ना इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, उसके बाद क्रोमा पे खड़े करने के बाद जिधर से तुम्हें उड़ाना है उड़ाओ, मिट्टी में रेत में खड़ा करना है कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा मेहनत कतई नहीं करने वाला हूँ। ये देखेगी हर साजिश जो कल बिखरेगी, जितनी मेहनत करनी है तुम एडिटिंग टेबल पे करो, लेकिन भैया ने वॉइस और बढ़िया दिया यार। देखो अब होगा टाइम का तांडव। चलो भैया कहते हैं कि आग देखती भी थी दिखाती भी थी, पर सिर्फ आज का हाल नहीं दिखाएगी यार, अब जब ये आग खुलेगी ना तो इतिहास के साथ साथ आने वाला पल का हाल भी दिखाएगी, ब्ला 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 बहुत सारी बातें कह दी सल्लू भैया ने। बेसिकली कहना चाहते हैं कि अब ये भविष्य भी दिखाएगी, अब ये भविष्य किस तरीके से दिखाएगी, मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया खोदा पाड़ निकले चूहे वाला टाइप्स ना हो रहा है, क्योंकि ये किस तरीके से वर्क करेगा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और हो सकता है कि सल्लू भैया को भी समझ ना आ रहा हो, इसीलिए उन्होंने कहा ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला मैं, जो है सो है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं हो पाएगी मुझसे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखो 6 अक्टूबर को ये रिलीज होने वाला है और बहुत सारी चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाएगी वो तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भाई इस शो की TRP हमेशा नंबर 1 रही है, और इस बार देखने के बाद पता चलेगा कि शो में धमाका होता है या फिर ये फुस बॉम्ब की तरह हो जाता है। बाकी सलू है तो थोड़ी बहुत इज्जत तो रख ही लेंगे। तो कौन बदलेगा अपनी रिटन किस्मत? शो में बहुत सारे नाम ऐसा लग रहा है कि भैया पीछे हट रहे हैं कॉन्सेप्ट को देखते हुए, ऋत्विक धनंजानी के नाम पर ऐसा लग रहा है कि नहीं आएंगे, पर हो सकता है कि यार ये सारी चीज़ें सिर्फ शो की TRP बढ़ाने के लिए कही जा रही हो। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन कौन आने वाला है शो में, बट फिर भी तुम्हारे लिए मेहनत कर लेती हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। समीरा रेड्डी, ईशा कोपेकर, चाहत पांडे, नायरा बनर्जी और भी बहुत सारे लोग तुम्हें इसमें देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर कोई नया एड ऑन होता है तो 6 अक्टूबर तक का सिर्फ तुम्हें इंतजार करना पड़ना है। बाकी यार दूसरों की लड़ाई झगड़ा चुगली पट्टी इन सब में हमें बहुत मजा आता है, तो 6 अक्टूबर के बाद कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ इस शो को देखना है। खुलेगी स्वयं काल की आंख और बस मजे लेने, और तो क्या ये यार, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम बताओ तुम कितना एक्साइटेड हो। मिलोगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बार बार याद दिलाती हूँ तुम्हें फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो।